हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे और आज है संडे और ये है अपनी संडे अपडेट की वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ नए प्लांट्स मैं लाया हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये वीक में कौन कौन से प्लांट के साथ हमने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें आज हम शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे देसी रोज़ के प्लांट के साथ। मैंने कुछ मेरे प्लांट्स रोज़ के प्लांट यहाँ पे रख दी है बीच में, क्योंकि मैं इसको कलर कर रहा था तो ऑलमोस्ट कलर का काम मेरा इधर ख़त्म हो गया है, ये 5 गमलों का। और दूसरे गमले वहाँ पे रखे हैं फ्रेंड्स, उसके अभी कलर का काम पेंडिंग है। तो कुछ जो पहले जो पुराना कलर मैंने लगाया था उसके ऊपर फिर से मैं कलर लगा के उसको यहाँ पे जितने भी मेरे रोज़ के प्लांट्स हैं उसको कलर करने की पूरी कोशिश करूँगा आज। तो देखते हैं कंप्लीट होता है कि नहीं। लेकिन हम अपने प्लांट की हेल्थ भी साथ में देख लेते हैं आज, क्योंकि आज मैंने अपने सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज भी किया है। ये जो मेरा रोज़ का प्लांट है फ्रेंड्स, वो बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहा है, उसके ऊपर ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, लीव्स भी अच्छे खासे निकल रहे हैं और अभी कोई भी पेस्ट इसके ऊपर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर रेगुलर मैं पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन करता रहता हूँ। तो अभी ये प्लांट पूरी तरह हेल्दी है। और ये मेरा दूसरा देसी रोज़ का प्लांट है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, इसके ऊपर भी लीव्स अच्छे खासे निकले हुए हैं, फ्लावरिंग बर्ड्स भी धीरे धीरे करके इसके ऊपर डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो प्लांट है वो भी सही है। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो प्लांट है ये इसके ऊपर, ये प्लांट की हालत ख़राब थी, ये वही प्लांट है जिसके ऊपर हमने ट्रीटमेंट की थी। और अभी ये जो प्लांट दिन ब दिन बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है, ये देखिए इसके ऊपर दूसरा एक फ्लावरिंग बर्ड डेवलप हो रहा है और यहाँ पे दो दूसरे फ्लावरिंग बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं। और ये प्लांट के लीव्स देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे शाइनी और बढ़िया लीव्स इसके ग्रोथ होके निकल रहे हैं। तो ये प्लांट की कंडीशन भी हमारी अच्छी है। कुछ देखिए हमारे जो कश्मीरी रोज़ के प्लांट्स है उसके ऊपर तो फ्लावरिंग्स बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी दूसरे एक यहाँ पे शूट निकल रही है, यहाँ पे दो फ्लावर्स हो रहे हैं, यहाँ पे एक शूट निकल रही है, यहाँ पे ऑलरेडी एक फ्लावर निकला हुआ है और यहाँ पे बर्ड्स निकले हुए हैं। तो अभी जो कश्मीरी रोज़ का प्लांट है फ्रेंड्स, वो भी बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहा है। ये हमारा दूसरा एक मिनिएचर वैरायटी का रोज़ का प्लांट है, उसके ऊपर छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, इसके ऊपर भी बहुत ही बढ़िया अभी ग्रोथ हो रही है और बडिंग्स भी आ रहे हैं। तो ये प्लांट की कंडीशन भी हमारी अच्छी है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट ने अभी बहुत ही दिनों के बाद फ्लावरिंग की है, जब से बंदरों ने ये प्लांट को ख़राब किया था उसके बाद पहली बार ये प्लांट ने फ्लावरिंग की है। तो धीरे धीरे ये प्लांट भी अपने आप को फ्लावरिंग पे लाने की कोशिश कर रहा है। जितने भी डैमेज लीव्स थे वो मैंने इसके ऊपर से हटा दिए हैं और कुछ नए लीव्स भी इसके ऊपर डेवलप हो रहे हैं। और आगे चलते हैं, ये मेरा दूसरा एक रोज़ का प्लांट है, इसके ऊपर छोटे से हल्के से पेस्ट दिख रहे हैं। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो लीफ है जो थोड़े कर्ल हो रहे हैं, ये फंगस की निशानी है। तो मुझे फंगीसाइड की एप्लीकेशन ये वीक करना होगा ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे दूसरे मेरा कश्मीरी रोज़ का प्लांट है और वो भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, ये थोड़ी छोटी साइज़ का है। और यहाँ पे हमारे मिनिएचर है वाइट कलर के, जिसके ऊपर बहुत ही बढ़िया फ्लावर्स निकल रहे हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत बंच में इसके ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं और यहाँ पे इसके ऊपर बर्ड्स भी निकल रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए। तो इसके ऊपर भी फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया होती है। और ये वाला दूसरा एक मैं प्लांट रिसेंटली लाया था, उसके ऊपर मैंने सारे लीव्स निकाल दिए और अभी ये जो प्लांट है वो भी अच्छी खासी ग्रोथ पे आ रहा है। और यहाँ पे देख लेते हैं हमारे बोगनवेली के ऊपर भी फ्लावरिंग्स धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। हमने जितने भी इसकी जो ब्रांचेस कट की थी उसके बाजू से अभी तक कोई भी न्यू शूट निकली नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। जो ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ वो हिसाब से अभी मैं अपने प्लांट को मेनटेन कर रहा हूँ, मैं अपने बोगनवेली को। हमारे लेंटेना भी बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहे हैं ये सीज़न में। जैसे कि ठंडियों की सीज़न स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, तो प्लांट्स को तो ये सीज़न पसंद होती है, क्योंकि प्लांट्स को सनलाइट अच्छी खासी मिल जाती है और प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे कि सनलाइट है वो उसको पूरे दिन मिलती है। और अगर जितनी मैक्सिमम सनलाइट मिलेगी उतनी ही प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, फ्लावरिंग्स अच्छे होंगे। और ये जो सनलाइट है वो सनलाइट हमारे प्लांट्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। और यहाँ पे हमारे दूसरे बोगनवेली है वो भी बढ़िया फ्लावरिंग पे आ रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। ये मेरा मोगरा का प्लांट है, उसके ऊपर भी अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है और ये प्लांट पहले से बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो मुझे लग रहा है कि इसको कोई दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकूँ जहाँ पे उसकी ब्यूटी दिखने में नज़र आने में आए। और यहाँ पे हमारे कनेर है, कनेर भी अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये जो कनेर का पौधा है फ्रेंड्स, ये मेरे यहाँ फ्लावरिंग नहीं कर रहा है।
मुझे लास्ट संडे अपडेट की वीडियो में ये कमेंट आई थी कि हमारे कनेर फ्लावरिंग नहीं कर रहे, तो उसमें से मेरे पास 3 कनेर के पौधे हैं फ्रेंड्स। उसके अंदर 2 कनेर के पौधे अभी बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन 1 कनेर का पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा, जो ये है। ये सबसे पुराना पौधा है मेरे पास। बीच में ये फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया कर रहा था, अबाउट 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और जब से मैंने ये प्लांट को रिपॉट किया है, उसके रूट्स को प्रून किया, उसके बाद इसने फ्लावरिंग करना ही छोड़ दिया है। तो ये दिक्कत आ गई है ये प्लांट में रूट प्रूनिंग करने के बाद, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कुछ कोई भी फ्लावरिंग नहीं दिख रहे। बीच में मुझे कुछ फ्लावरिंग इसके ऊपर देखने को मिल गए थे, लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरी एक फ्लावरिंग की स्टिक नज़र में आ रही है मुझे, देखिए फ्रेंड्स। तो ऐसी स्टिक तो बनती है, लेकिन बाद में प्लांट अल्टीमेटली फ्लावरिंग नहीं कर पाता यहाँ पे भी, तो ये दिक्कत आ जाती है। जबकि ये जो मेरे दूसरे कनेर के पौधे हैं उसके ऊपर फ्लावरिंग तो बहुत ही बढ़िया निकल के आते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग इसके ऊपर निकल के आते हैं। बीच में मैंने इसके ऊपर की जो फ्लावरिंग की स्टिक थी वो कट कर दी, उसके बाद दूसरी नई स्टिक इसके ऊपर डेवलप हो जाती है और ये फ्लावरिंग फिर से करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये नेचर है फ्रेंड्स, यही प्लांट का नेचर है। तो हमें कभी भी प्लांट को फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। प्लांट अपने हिसाब से ही अपने फ्लावरिंग करता है, तो वो भी एक ज़िंदा चीज़ है, तो वो भी अपने जो नेचुरल फेनोमिनन है वो भी अपने हिसाब से ही करेगा। तो हमें ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। जैसे कि ये मेरा प्लूमेरिया का पौधा है, बीच में बारिशों की सीज़न में इसके ऊपर बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन अभी ये फ्लावरिंग इसने भी करना बंद कर दिया है। तो क्लाइमेटिक चेंजेस के हिसाब से भी प्लांट रिएक्ट करता है। और यहाँ पे हमने सारे अपने टिकोमा रखे थे, लास्ट संडे में हमने इसके ऊपर फ्लावरिंग्स अच्छी खासी देखी थी, लेकिन अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं है। तो इसके ऊपर भी मुझे थोड़ी सी लाइट प्रूनिंग करनी है ऊपर से, तो बाद में फिर से नई ब्रांचेस डेवलप होगी तो उसके ऊपर भी फ्लावरिंग्स आ जाएंगी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे बोगनवेली है, इसके ऊपर भी अच्छे खासे ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर्स अभी लगे हुए हैं, तो इसकी भी लुक अभी थोड़ी अच्छी आ रही है। और अभी ये जो प्लूमेरिया है, ये प्लूमेरिया की सीज़न अभी जाने वाली है, क्योंकि ठंडियों की सीज़न में इसके पत्ते आपको आराम से येलो होके गिरते हुए दिख जाएंगे। तो अभी ये धीरे धीरे करके इसके पत्ते गिराएगा, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये प्लांट मुझे ज़्यादा फ्लावरिंग प्रोड्यूस करके देगा। और यहाँ पे हमारे क्रोटॉन्स हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहे हैं। बीच में इसके ऊपर वाइट फ्लाइज का अटैक हुआ था, लेकिन अभी ये प्लांट की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। तो वाइट फ्लाइज से रिलेटेड फ्रेंड्स, मेरे पास एक दूसरी भी एक क्वेरी आई है कि नीम ऑयल डालने के बाद भी और कुछ इंसेक्टिसाइड डालने के बाद भी वाइट फ्लाइज जाते नहीं हैं। तो उसके लिए मुझे एक सॉल्यूशन मिला है जो वाइट फ्लाइज के ऊपर आराम से आपको रिजल्ट देगा, लेकिन वो केमिकल है जो आपके यहाँ वाइट फ्लाइज की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो बाद में अगर आप वो केमिकल पेस्टिसाइड अप्लाई करेंगे तो बाद में आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। तो वो चीज़ मैं आपके साथ ये वीक में ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने खुद वो केमिकल लाके मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स की वाइट फ्लाइज से रिलेटेड कमेंट आती है कि नीम पेस्टिसाइड से भी वो जाते नहीं हैं। तो अल्टीमेटली मैं पेस्टिसाइड वाले की दुकान पे गया और उनसे मैंने थोड़ा कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा पेस्टिसाइड दिया है जो वाइट फ्लाइज पे काम 100% करता है। तो वो चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ट्राई किया है वो। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये येलो टिकोमा प्लांट, उसके ऊपर भी वाइट फ्लाइज का अटैक हुआ था। ये नीचे वाले जितने भी लीव्स थे उसके ऊपर वाइट फ्लाइज का अटैक हुआ था, तो मैंने उसके ऊपर ये पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन किया है, उसके बाद ये प्लांट के ऊपर वाइट फ्लाइज टोटली गायब हो गए हैं। और ये जो प्लांट है येलो टिकोमा के, देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही बढ़िया फ्लावर्स इसके ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो लास्ट संडे अपडेट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर फ्लावरिंग बर्ड्स निकल रहे हैं, अब धीरे धीरे इसके ऊपर फ्लावरिंग्स भी डेवलप हो रहे हैं। और ये हमारा अनार का पौधा है, बस ठीक ठाक ग्रो हो रहा है अभी, और कुछ फ्रूट्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि गिलहरी इसको डेवलप होने देगी, लेकिन इसके ऊपर फ्रूट्स तो डेवलप, फ्लावर्स तो डेवलप हो ही रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी फ्लावर्स तो डेवलप हो ही रहे हैं। और ये हमारा श्रीलंकन टगर का पौधा है, इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स निकले हुए हैं। ये देखिए, ये सारे फ्लावर्स यहाँ की तरफ फेस कर रहे हैं, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट यहाँ से आती है, तो इसीलिए सारे फ्लावर्स यहाँ पे इसके खिल के आते हैं। ये देखिए, ये टिकोमा के भी फ्लावर्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं, मतलब हमेशा फ्लावर्स वही पोजीशन पे फेस करते हैं जहाँ पे सनलाइट इसको डायरेक्ट मिलती है। और ये हमारे सारे क्रोटॉन्स हैं, इंडोर प्लांट्स हमारे हैं कुछ,
जो अभी अच्छी कंडीशन में, ये जो क्रोटॉन्स है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं, ये सारा वाइट फ्लाइज ने इसकी ऐसी हालत की है। तो वाइट फ्लाइज को भगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपके प्लांट के लुक को बहुत ही ख़राब कर सकता है। और आगे चलते हैं, ये जो जास्मिन का पौधा है फ्रेंड्स, हमने परसों ही इसको रिपोर्ट किया था, तो मुझे लगा था कि रूट्स कट करने के बाद इसके जो अपर पोर्शन वाले लीव्स होंगे वो थोड़े झुक जाएंगे या तो थोड़े ड्राई होने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पौधे की कंडीशन अभी जो पहले थी ऐसी ही है, कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ा और अच्छी कंडीशन है। उल्टा मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कि ये पौधा अब अच्छी खासी ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि उसके रूट्स को अभी थोड़ी स्पेस मिल गई है ग्रोथ करने के लिए। तो अभी ये जो ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 40 दिन या तो 45 दिन में आपको इसके ऊपर भी फ्लावरिंग्स देखने को मिल जाएंगे, मेरी ऐसी कैलकुलेशंस बोल रही है। लेकिन फिर भी अभी आगे क्या होगा वो मैं आपको संडे अपडेट की वीडियो में बताता रहूँगा। और ये हमारे टगर के पौधे हैं, इसके ऊपर तो फ्लावरिंग अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी इसकी खास इतनी सीज़न नहीं है। तो वेट करते हैं, अगर इसके ऊपर भी फ्लावरिंग हो जाए तो अच्छी बात है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे विंकाज है और ये विंका की हालत आप देख रहे हैं कुछ ऐसा हो गया है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी तेज़ सनलाइट इसके ऊपर गिरती है, कोई प्लांट विंका के ऐसे होते हैं जो बहुत ही तेज़ सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए उसके लीव्स थोड़ी देर के लिए ऐसे कर्ल हो जाते हैं, और जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर से निकल जाती है तो इसके लीव्स फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल फेनोमिनन है, उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए, ये विंकास मेरी कंडीशन इसकी अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है विंकास में भी। और यहाँ पे हमारे जो मेरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं वो भी बहुत ही बढ़िया खिल रहे हैं, इसके ऊपर भी अच्छी खासी ग्रोथ अभी देखने को मिल रही है। और ये ठंडियों की सीज़न में आराम से ये प्लांट हमारा ब्लूम करेगा, अप टू ए फेब्रुअरी मार्च महीने तक बहुत ही अच्छी ब्लूम देगा। बाद में जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होगी तब बाद में हमें ये प्लांट को बचाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तब की बात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि किस हिसाब से मैं इसको केयर करता हूँ, लेकिन अभी तो ठंडियों में तो ये आराम से ग्रो हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली हमने पेटूनिया ग्रो किए थे, इसके सारे फ्लावर्स मैंने पिंच आउट कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ से न्यू शूट्स इसकी डेवलप हो रही है, तो धीरे धीरे ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये भी अपनी ग्रोथ कर रहा है, तो धीरे धीरे ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा और धीरे धीरे ये बुशी भी बनता जाएगा। और यहाँ पे हमारे सारे ये हाइबिस्कस के पौधे हैं, हाइबिस्कस की पौधे की कंडीशन मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इसके ऊपर मेलीबग्स का अटैक बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस मेलीबग्स के लिए तो हमें नीम पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करना होता है, लेकिन हमें फोर्सफुली नीम पेस्टिसाइड का स्प्रे मेलीबग्स के ऊपर करना पड़ता है। ये देखिए, तो मैंने एक इंसेक्टिसाइड इसके ऊपर डाला हुआ है, अब इसका क्या रिज़ल्ट मुझे मिलता है तो वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे एक्सपीरियंस करने दीजिए कि क्या मुझे इसके ऊपर रिज़ल्ट मिलता है। ये हमारा मधुमालती का पौधा है, जो अभी अच्छी खासी ग्रोथ इसके ऊपर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्लावरिंग्स अभी नहीं आ रहे, तो वो भी फ्लावरिंग करेगा जैसे टाइम जाएगा, तो फ्लावरिंग ये भी करेगा। और नए पौधे में फ्रेंड्स, मैंने दूसरे दो हाइबिस्कस के दो दूसरे नए पौधे सिलेक्ट किए हैं, ये वेरीगेटेड हाइबिस्कस हैं, ये दोनों वेरीगेटेड हैं, तो इसको सनलाइट अभी अच्छी खासी मिलेगी, तो इसके ऊपर से भी फ्लावरिंग्स और लीव्स अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ी हमें केयर करनी पड़ेगी ये विंटर सीजन में, और पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर आराम से पेस्ट लग सकते हैं। अभी ये पौधा बहुत ही छोटा है, ये मैं SMC नर्सरी से लाया हूँ, तो 20 रुपीज़ का यह पौधा है, लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा ग्रो करना है, इसकी कंडीशन अच्छी करनी है, तो धीरे धीरे करके इसकी कंडीशन भी अच्छी होती जाएगी। और यहाँ पे हमारे सारे कॉक्सकॉम्ब हैं, जो बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहे हैं, इसकी तो बात ही नहीं पूछिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे ग्रो होते जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती ये प्लांट को मुझे। और ये हमारे एडेनियम्स हैं, एडेनियम्स भी फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, ये देखिए बहुत सारे फ्लावर्स इसके ऊपर निकल रहे हैं, और ग्रोथ भी अच्छी खासी फ्लावरिंग्स की ग्रोथ हो रही है इसकी। और यहाँ पर एडेनियम के सीडलिंग्स हैं, वो भी अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं। नए पौधे में फ्रेंड्स मैं लाया हूँ ये मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट, और ये कोलियस का पौधा मैं लाया हूँ फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग ग्लोरी मेरे पास नहीं था, इसलिए बाद में मैंने ये पौधा सिलेक्ट किया, तो अभी जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर कल फ्लावर्स लगे हुए थे लेकिन मुरझा गए हैं, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर ढेर सारे फ्लावर्स लग सकते हैं कंटिन्यूस,
तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसको मैं शायद कल रिपोर्ट भी कर लूँगा, इसको मैं शायद रिपोर्ट भी कर लूँगा और आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर करूँगा ये वीक में। तो देखते हैं किस हिसाब से मैं इसको पॉट प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि सबसे पहले मैं एक नया गमला इसको प्रोवाइड करूँगा और उसके अंदर मुझे गमले को पहले कलर करना पड़ेगा, कलर करके मुझे उसको सुखाना पड़ेगा, तो 1-2 दिन का टाइम वही लग जाएगा। उसके बाद मैं ये प्लांट को रिपोर्ट करूँगा, तो कम से कम 3-4 दिन का टाइम तो लगेगा ये प्लांट को वीडियो बनाने में। तो कोई भी एक्टिविटीज़, फिर भी कोई भी एक्टिविटी जो मैं अपने गार्डन में करूँगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये है मेरी संडे अपडेट की वीडियो और अभी हम लेमन प्लांट की तरफ चलते हैं कि लेमन प्लांट की कंडीशन कैसी है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा लेमन प्लांट, इसकी कंडीशन भी अभी अच्छी है। इसके ऊपर भी मैंने पेस्टिसाइड अप्लाई किए थे जिसकी वजह से अभी इसके ऊपर पेस्ट बहुत ही कम हो गए हैं। नीम पेस्टिसाइड ही अप्लाई किया था मैंने, कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड अप्लाई नहीं किया था। लेकिन अगर आप नीम पेस्टिसाइड अप्लाई करते हो फ्रेंड्स, तो बाद में आपके प्लांट को ऊपर आपको रेगुलर हफ्ते में 2 बार या तो 3 बार कंटिन्यूस एप्लीकेशन करना होगा, जिसकी वजह से सारे पेस्ट भाग सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार करेंगे तो बाद में आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको कंटिन्यूस हफ्ते में 2 बार या तो 3 बार आपके प्लांट के ऊपर आपको एप्लीकेशन करना होगा। यहाँ पे पेस्ट लगे हुए थे, जो अभी ये जो एरिया है वो टोटली साफ़ हो गया है, बहुत सारे जगहों पे पेस्ट लगे थे। तो अभी तो ये प्लांट की कंडीशन अच्छी है, ग्रो कर रहा है, लेकिन कोई भी फ्रूट्स या फ्लावर्स नहीं दिख रहा है। तो जब भी ये कुछ आपको जब भी ये प्लांट फ्लावरिंग पे आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी संडे अपडेट की वीडियो। आज की वीडियो में कुछ इतना खास तो है नहीं, बस थोड़ी बहुत जो चेंजेस मैंने अपने गार्डन में किए हैं, जो अभी कलर का काम चल रहा है तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम यही करने में निकल जाता है। तो ज़्यादा मैं अभी कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।